उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर इतिहास रचा। सीएम योगी के निर्देश से प्रदेश में 25 करोड़ 15 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कल होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता ने मांगी है 13.37 एकड़ जमीन सौंपी जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने अपील की थी कि पहले केस मेंटेनेबल है या नॉन मेंटेनेबल, इस मुद्दे पर सुनवाई होनी चाहिए। गोंडा में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर हिंदूवादी नेता को उदयपुर की तर्ज पर गला रेतकर जान से मारने की धमकी मिली। पाकिस्तान से अज्ञात नंबर पर फोन आया। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा बयान दिया। कहा विधान के अनुसार उद्धव ठाकरे को काम करने की आदत नहीं। रामपुर कोर्ट पहुंचे आजम खान। ईडी के समन पर बोले खान, कहा सारे मुकदमे हम पर ही होंगे या कुछ सरकारी लोगों पर भी होने चाहिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरशाद खान बीएसपी में शामिल। आजम खान के साथ संबंधों में खटास आने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी। रेप के आरोपी एमपी अतुल राय की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने संसद और ईसी से कहा अपराधियों को राजनीति से हटाने का उपाय करें। बुलंदशहर में कावड़ यात्रा से पहले अफसरों ने गंगा घाटों का लिया जायजा। ड्रोन से की जाएगी कावड़ यात्रा की निगरानी। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के घर पर छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जताया विरोध। रोहित रंजन के खिलाफ हुई कार्रवाई को बताया अलोकतांत्रिक। बरेली में बालाजी शोभा यात्रा निकालने को लेकर दो पक्ष आए आमने सामने। बालाजी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकाली जा रही शोभा यात्रा में रास्ते को लेकर हुआ विवाद। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही आई सामने। लाखों की कीमत की सरकारी दवाइयां सड़क के किनारे गड्ढे में फेंकी पड़ी मिली। मैनपुरी में महिला थाने में सिपाही के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। वीडियो में एक युवक और सिपाही मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। संभल में खुलेआम अवैध तमंचा लहराकर दहशत फैलाने का आरोपी युवक गिरफ्तार। अवैध तमंचा लहराते युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने चोरी करने वाले कई युवकों को गिरफ्तार किया। चोरी किए गए 17 मोबाइल 3 लाख के जेवरात के साथ कुछ नगद रुपए भी बरामद। आजमगढ़ में शादी का झांसा देकर किशोरी से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित के परिवार को पुलिस में शिकायत करने पर दे रहा था जान से मारने की धमकी। बहराइच में एसएसपी ऑफिस पर तैनात एक सिपाही ने अपने कठिन परिश्रम से राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की परीक्षा पास की है। सिपाही को एसएसपी ने बधाई दी है। रायबरेली की सड़कों पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ बैंड बाजा और सैकड़ों बारातियों के साथ पौधों का बारात निकाली गई। पौधों की बारात में शामिल हुए योगी सरकार के मंत्री जसवंत सिंह सैनी और जिले के बड़े अधिकारी। हरदोई में महिला ने 4 हाथ और 4 पैर वाले विचित्र बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। डॉक्टरों ने बताया बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, बोले अविकसित बच्चे ने लिया है जन्म। दिल्ली पुलिस ने मां काली के विवादित पोस्टर पर एक्शन लिया। आईपीसी की धारा 153 295A के तहत केस दर्ज। कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में। कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट 10% टूटा। करीब 2 महीने बाद कीमत $100 प्रति बैरल के नीचे आई।